खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। श्री विजयनगर के गांव 29 जीवी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सतपाल बिश्नोई की राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सतपाल बिश्नोई के अलावा सरपंच मोहिनी देवी, पंचायत समिति सदस्य राजेश सारस्वत सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य, विद्यालय का स्टाफ तथा गाँव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्यालय स्टाफ द्वारा सतपाल बिश्नोई को साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वह 35 वर्ष 7 माह के सरकारी कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यापक धर्मपाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नंदराम सिद्ध, उप सरपंच अलका सुनील, बिश्नोई मनीष कुमार बदलिया, दलीप मेहरड़ा, राजेश शर्मा, निजी विद्यालय के संचालक तेजपाल सिंह, सुभाष चंद्र सोडा, सुभाष वर्मा, रघुवीर सिंह, वार्ड पंच बीरू राम सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री विजयनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिलाचिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड द्वारा पहली बार परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है, जिसके बाद यहां पहला पेपर 10वीं कक्षा का हुआ। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। यहां सभी बोर्ड कक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदराम सिद्ध ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण समाप्त हुई। शिक्षकों का भी अच्छा सहयोग रहा। ज्ञात रहे कि कोरोना महामारी के चलते 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने कक्षा 8 व 9 की परीक्षा नहीं दी, जिसके बाद सीधे ही 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी है। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को आसान बताया। साथ ही गाँव में ही परीक्षा केंद्र स्वीकृत होने पर खुशी जताते हुए कहा कि हमें अब दूसरे गाँव या शहर में परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। 2 साल के बाद आपके कोरोना काल के कारण पेपर नहीं हुए थे, अब पेपर हो रहे हैं, वो भी यहीं गांव में आपको सेंटर मिला है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे 2 साल के अंदर पहले एग्जाम नहीं हुए थे, अब एग्जाम हो रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी अच्छी की हुई है, इसलिए हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे पेपर हमारे स्कूल में ही हो रहे हैं, हमारे गाँव के अंदर हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किस विषय का पेपर है आज? इंग्लिश का। कैसी है तैयारी बेटी? बहुत अच्छी है। हाँ बेटे, नाम क्या है? कैसा महसूस कर रहे हो आप? पहले पेपर देने के लिए जैसे दूसरे सेंटर में जाना पड़ता था, लेकिन अभी आपके गांव में ही सेंटर मिला है, तो कैसा लग रहा है? थोड़ा वो होता नहीं है, यानी दूर नहीं जाना पड़ता है। तैयारी कैसी है आपकी?